है दिसंबर 2023 महाराष्ट्र की हाई कोर्ट हियरिंग होने वाली थी नीलेश ओझा और रशीद खान पठान की याचिका का, जो पीआईएल थी उसकी, और उसी हियरिंग के दिन जिसके खिलाफ ये हियरिंग होने वाली थी, क्रोनोलॉजी देखिए, दुबई चला जाता है। 6 दिसंबर को ही एक मेल आता है, मेल में इनविटेशन होता है और इनविटेशन में कहा जाता है कि आपको सादर आमंत्रित किया जा रहा है। कहां? दुबई में। दुबई में कौन पहुंच गया है? जाने माने दोस्त, उनके दोस्त, उनके जिगरी यार, जिन्हें वो एक दूसरे को जानते नहीं है, जिनके बारे में दोनों मीडिया में बयान देते हैं, आई डू नॉट नो ईच अदर, आई डू नॉट नो हु इज रिया चक्रवर्ती, एंड रिया चक्रवर्ती सेज आई डू नॉट नो हु इज आदित्य ठाकरे। क्या एप्लीकेशन गया? यही एप्लीकेशन है। सुशांत मामले में कि आखिरकार दुबई कनेक्शन फिर से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। दिशा सुशांत केस को लेकर जिस तरीके से बातें हो रही थी और उसके बाद दिशा केस में एसआईटी का गठन होना और अगले ही दिन दुबई कनेक्शन जुड़ना, कोई सहयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर देखा जाए इस मामले में कई बड़े सवाल 3 साल पहले उठे थे और आज फिर वही सवाल उठ चुके हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि नेता अभिनेताओं के साथ साथ अब बड़े नेता खुले तौर पर नाम लेने लग गए हैं उनके, जिन्होंने किया था क्या गलत, पूरी बात क्या है आपको बताएंगे डिटेल में, पर साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार क्यों दुबई की बात दोबारा से होनी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले आपसे अपील कर दें, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सुशांत और दिशा केस की, तो इस मामले में बहुत सवाल उठे हमने देखे पिछले 3 सालों में, पर पिछले कुछ महीनों के अंदर जिस तरीके से सवाल उठने शुरू हुए, जो कि कहा जा रहा है कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर सवाल उठ रहे थे और उसके बाद मामला पहुंच जाता है बॉम्बे हाईकोर्ट तक, फिर एसआईटी का गठन हो जाता है, जिसके बाद लगातार चर्चा शुरू हो रही थी। पर इसी के बीच हाल ही में कहा जा रहा है कि एक मेल मिला है और एक मेल के माध्यम से रिया को क्या दुबई बुलाया जा रहा है, ऐसा हम दावा नहीं कर रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पे दावा हो रहा है और खुद यहां पर कहा जा रहा है कि कई लोग ऐसे दावे कर चुके हैं कि भैया रिया को दुबई बुलाया जा रहा है। अब कौन बुला रहा है, किस लिए बुला रहा है, एसआईटी का गठन हुआ है क्या, सुशांत दिशा केस जो खुलने वाला है उसकी वजह से अब कुछ कहा तो नहीं जा सकता, पर ये दुबई का नाम आते ही याद आ गया कि याद है आपको सुरजीत सिंह राठौर आए थे, उन्होंने कहा था कि भैया कूपर वो पहुंचे थे, तब उन्होंने संदीप सिंह को सुना था कि वो दुबई कनेक्शन की बात, कुछ बातें जो न्यूज मीडिया में दिखाई गई थी। अब उन्हीं चीज को गौर करें तो दुबई की बात फिर से सामने आना बड़ा सवाल उठा रही है। आपको यहां पर बता दिया जाए कुछ चीजें जो सामने निकल के आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि एयू और रिया क्या दुबई पहुंच जाएंगे। अब एयू कौन है पता नहीं, पर वही भी कहा जा रहा है कि क्या एयू चाहता है रिया दुबई पहुंचे, ये एयू है कौन बाबा, 44 कॉल एयू से हुई और क्या रिया एयू को पहले से जानती थी, ये एयू है कौन, ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है और बहुत सारे लोगों ने एयू को लेकर बड़े खुलासे भी कर दिए कि एयू कौन है। पर यहाँ पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो एसआईटी का गठन होता है करीब 7 तारीख को, 6 तारीख को सुनवाई थी, सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि 27 नंबर था केस का, इसलिए सुनवाई 17 जनवरी तक टाल दी गई थी। पर कहा जा रहा है कि सुनवाई तो नहीं हुई, अगले दिन एसआईटी का गठन हुआ और उसी के बाद कहा जा रहा है कि दुबई एंगल फिर से सामने निकल के आ गया। तो भैया ये चल क्या रहा है, एक तरफ सुशांत दिशा केस को लेकर बातें हो रही हैं कि अब तो सच सामने आएगा और दूसरी तरफ क्यों आखिरकार ये एक मेल में रिया को लेकर इतने बड़े खुलासे हो रहे हैं, क्या सही में रिया दुबई जाने वाली है, ऐसी चीजें अब सामने निकल के आ रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कई बड़े लोग दावा कर रहे हैं। पर वहीं पर अगर हम बात करें तो अगर आपने नीतीश राणा जी की हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी है तो अगर आप वो सुनेंगे, उन्होंने खुलेआम एक नेता का नाम लिया और बोला भैया ये खूनी को बाहर मत घूमने दो। अब कौन से नेता का नाम वो ले रहे हैं पिछले कई दिनों से, ये आप अच्छे से जानते हैं। जिस नेता का उन्होंने नाम लिया है वो नेता को लेकर भी कई बड़े सवाल उठ रहे हैं और खास करके जब एसआईटी का गठन हुआ था तब भी कहा जा रहा था कि वही नेता की मुश्किलें बढ़ेंगी, ऐसा भी कई सारे न्यूज मीडिया ने अपने न्यूज में प्रिंट किया था। तो यहाँ पर नीतीश राणा अब खुल के नाम ले रहे हैं नेता का और बोल रहे हैं भैया खूनी को बार मत घूमने दो, क्या सही में उस नेता का नाम मामलों में जुड़ा हुआ है, बहुत
बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हम बात करें कि दुबई कनेक्शन निकल के आना, वो 44 कॉल रिया एयू के बीच में, क्या रिया एयू को पहले से जानती थी? ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर जो लेटर मिला है उसमें दुबई कनेक्शन की जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो लोगों ने कहा क्या एयू ही बचाएगा रिया को, क्या एयू ही रिया को बुलाएगा दुबई, और दुबई क्यों? क्योंकि दुबई में बैठे हैं बड़े बड़े लोग जो बचा लेंगे उनको, जिनका नाम आएगा मामलों में, ऐसी चीज़ें लोग बोला करते हैं। पर क्या सही में दुबई एंगल दोबारा से निकल के आने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं, बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, कई लोग दावा कर रहे हैं, उनको देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आती हुई नजर आ रही है। पर अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि 14 दिन का वक्त दिया गया है, और SIT का जो गठन हुआ है उसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स को जो जाँच सौंपी है, ये भी बोल दिया गया कि भैया 14 दिन के अंदर अंदर हम सारे सबूत पेश कर देंगे, और अगर सबूत देखने के बाद, सबूत मिलने के बावजूद जो ऑफिसर्स को कहा जा रहा है कि केस सौंपा गया है, दिशा केस जो SIT का गठन किया है, कहा जा रहा है कि अगर 14 दिन में उन्होंने कुछ भी सामने निकाल के नहीं रखा, या पूरा जो सबूत उनको सौंप देंगे हम, उसके बावजूद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो उनके ऊपर जांच बैठ जाएगी। अब भैया ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं लोग। एक तो SIT का गठन दिशा केस में, दिशा केस बहुत बड़ा केस बताया जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि जिनको सौंपा गया है वो केस, अगर उन्होंने इस मामले में कुछ भी सोचिए ऊंच नीच कर दी, तो भैया उनके ऊपर जांच बैठ सकती है। अब बहुत बड़ी बात यहाँ पर नीलेश ओझा जी ने बोली है हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान। तो यहाँ पर देखा जाए, अब कुछ बड़ी चीज़ें सामने निकलने का वक्त क्या आ गया है? क्या सुशांत और दिशा केस अब सही में खुल जाएगा पूरा इस मामले का सच, और खुल जाएगा उनके राज जो छुपाना चाहते थे 3 साल पहले जो उन्होंने किया था? फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता, पर SIT का जो गठन हुआ है इसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने साफ होती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि देखा जाए 7 जून को किसी का बर्थडे और 8 को दिशा केस होना, 13 को किसी का बर्थडे, 14 को सुशांत केस होना, बिल्कुल भी यहाँ पर इसको इजी नहीं लिया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए इन बातों पर, बहुत सारे लोगों ने पार्टी को लेकर सवाल उठाए। लॉकडाउन का समय था और बड़े बड़े लोगों के लिए क्या लॉकडाउन, बड़े बड़े लोगों ने पार्टी करी होगी, क्योंकि ये खुद बड़े बड़े लोग दावा करते हैं कि भैया पार्टी तो हुई थी, अब घर के अंदर पार्टी करी तो भैया चलता है, पर लॉकडाउन आम आदमी के लिए मुसीबत था, पैसे वालों के लिए इतनी मुसीबत नहीं थी। ये साफ दर्शा देती है कि भैया जिनके हाथ में पावर है वो लॉकडाउन में भी आराम से पार्टी कर रहे थे। पर 7 को पार्टी और 8 को दिशा, 13 को पार्टी और 14 को सुशांत, क्या ये एक संयोग लग रहा है आपको? क्योंकि यहाँ पर सवाल तो बहुत सारे उठने वाले हैं इन चीज़ों को लेकर भी, पर अब जो सच है मुझे लगता है कि वो एजेंसी ही बता पाएगी। क्योंकि मामला PMO तक पहुँचा, PMO ने CBI को क्या ऑर्डर दिए हैं, क्या अब CBI पूरा सच सामने रखेगी? क्योंकि नीलेश ओझा जी ने साफ कहा था कि मामलों की जो भी जाँच है वो लगभग पूरी हो ही चुकी है। हाँ, ये हो सकता है कि जाँच में बड़े नाम हो, बहुत बड़े नाम हो, और इसीलिए कई बार होता है कि सब चीज़ें सामने रखने से पहले 100 बार सोचा जाता है कि इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, और उसके बाद जाकर डिसीजन लिया जाता है कि क्या चीज़ सामने रखनी है देश की, क्या नहीं रखनी है। पर यहाँ पर एक चीज़ पे गौर किया जाए तो 8 को रिया ने घर छोड़ा, दिशा केस हुआ, सुशांत की हार्ड ड्राइव चली गई, और अचानक से क्या दिशा केस होने के बाद वही दिन सुशांत केस तो नहीं होने वाला था? क्या आखिरकार उस घर में सुशांत ने रिया के जाने के बाद अपने सिस्टर को बुला लिया, और उसके बाद सिस्टर के जाते ही सुशांत केस भी हो गया? ये बहुत बड़ा यहाँ पर लोग दावा ऐसा कर रहे हैं। अब सच क्या है ये तो भैया हम नहीं जानते, ना हमको पता है, पर ये चीज़ें जो सामने निकल के आ रही हैं, लोग दावा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत बड़े सवाल उठा रही है कि 8 को दिशा केस होने से पहले रिया ने घर क्यों छोड़ा? रिया के घर छोड़ते ही दिशा केस हो गया, और उसी के बाद ही कहा जा रहा है कि सुशांत केस जो 14 का था, क्या वो भी तभी होने वाला था अगर SSR की सिस्टर वहाँ ना पहुँचती, तो क्या सुशांत पहले ही ना रहते? ये सारे सवाल आज भी बने हुए हैं, और इन्हीं सारे सवालों के जवाब तभी मिल पाएंगे जब इस मामले में जो है CBI जांच कर रही है सुशांत केस में, और दिशा केस में जो SIT जांच करने आई है, जब इनकी जांच पूरी हो जाएगी, जांच के बाद बड़े खुलासे होंगे, और हो सकता है कि इतने सारे खुलासे होने के बाद सच सामने आ जाए। क्योंकि जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, नेता अभिनेताओं के नाम लिए जा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि बड़े सबूत हैं
उनके पास जो लोग नाम ले रहे हैं। आपको क्या लगता है? इन सारी चीजों को देखने के बाद आप अपनी राय कमेंट्स रखिएगा, क्योंकि ये जो चीजें हम आपको बता रहे हैं ये सारी चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से निकल के आ रही है, न्यूज मीडिया के माध्यम से निकल के आ रही है, और खास करके बड़े बड़े लोग दावा कर रहे हैं तभी चीजें सामने आ रही है, और वही चीज हम आपके सामने रख रहे हैं। तो हमें नहीं पता सच क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, पर हम इंतजार करेंगे ऑफिशियली स्टेटमेंट का, जो एजेंसी की ओर से जब आएगा तभी पता लगेगा कि आखिरकार इस मामले का जो सच है वो क्या सामने आने वाला है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू और हमारा फेसबुक का नया चैनल सागर भल्ला दोनों के साथ जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।